मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। इसी श्रृंखला में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में 22 जनवरी 2022 से रोजगार दिवस के आयोजन किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 10.5 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में ऋण वितरण कार्यक्रम में 6,15,00,000 रुपए लागत के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले के कुल 971 हितग्राहियों को 8,44,33,000 रुपए के ऋण वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 5 लाख से अधिक विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को ऋण राशि का स्वीकृति एवं वितरण किया। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को प्रदेशवासियों ने भी देखा और मुख्यमंत्री जी सहित अन्य अतिथियों के उद्बोधन को भी सुना। प्रदेश के समस्त 52 जिला मुख्यालयों पर भी लाभप्रद रोजगार मेलों के आयोजन किए गए। झाबुआ, भिंड, दमोह और डिंडौरी जिले के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअल संवाद भी किया। जिलों में रोजगार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में मंत्रीगणों, विधायकों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, अन्य उच्चाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों सहित हितग्राहियों की उपस्थिति रही। आइए आपको दिखाते हैं प्रदेश में हुए आयोजनों की कुछ झलकियां।